हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस चैप्टर 3 डेटा विजुअलाइजेशन के थर्ड पार्ट के बारे में। ऑलरेडी ठीक इसके पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं और ये है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइन चार्ट्स को, जिसमें हम लाइन चार्ट्स और इसी एक पूरी वीडियो में हम लाइन चार्ट से जुड़ी हर चीज को फिनिश करेंगे, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से सबसे पहला जो टाइप चार्ट का टाइप पढ़ना है वो है हमारा लाइन चार्ट। ओके, देखते हैं क्या होता है ये। तो लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ, यानी जो लाइन चार्ट है या लाइन ग्राफ है, इज अ टाइप ऑफ चार्ट। ये एक टाइप है चार्ट का विच डिस्प्लेस, जो डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को एज अ सीरीज ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा के सीरीज के फॉर्म में, जिसको हम लोग मार्कर्स कहते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पे एक डेटा है, दिस थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट, मार्कर्स। इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कर्स कहते हैं। और ये सारे मार्कर्स एक स्ट्रेट लाइन के जरिए क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस फॉर्म में जो हमारा बनता है चार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ट। ओके, सो कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, यानी इनको इन सारे चीजों को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, मार्कर्स। और ये स्ट्रेट लाइन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पाई प्लॉट हैज प्लॉट फंक्शन, यानी हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, प्लॉट है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट को क्रिएट करते हैं। और ये है इतना लंबा चौड़ा इसका सिंटैक्स। ये तो आपको पता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, इसके अंदर पाइप्लॉट नाम का इंटरफेस है और इसके अंदर हम एक प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे। ये प्लॉट फंक्शन यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कलर है, लाइन विड्थ है, लाइन स्टाइल है, लाइन स्टाइल को हम LSD कह सकते हैं, मार्कर है, मार्कर साइज है, मार्कर एज कलर है। इतने सारे एज एन आर्ग्यूमेंट्स चीजें आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं जब भी आपको क्या करना हो, लाइन चार्ट को ड्रॉ करना हो। और ये रहा इतना बड़ा इसके फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट। इन सारे आर्ग्यूमेंट के लिस्ट को हमें वन बाय वन पढ़ना है, और प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि लाइन चार्ट में जो लिखा हुआ है कि पाई प्लॉट हैज प्लॉट फंक्शन, यानी इसके पास एक क्या है, प्लॉट नाम का फंक्शन है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट को क्रिएट करते हैं। ये रहा सिंटैक्स। अब इसमें सबसे पहला एक्स एक्सिस क्या होता है, ये रहा मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया, ये लिख दिया मैंने वाई एक्सिस, दोनों को एक साथ समझा दिया। क्या है, पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब लिस्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि कौन कौन से एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आप चाहते हैं, कौन कौन से वाई एक्सिस पे वैल्यूज आप चाहते हैं। जैसे ये है आपका मान लीजिए वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू चाहेंगे ना। मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ कि क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, क्लास 12th में कितने बच्चे हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, या 30 बच्चे हैं, या 40 बच्चे हैं, या 50 बच्चे हैं। अब आपको जो भी डेटा मिलेगा उसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपको मिला है क्लास 10th में 40 स्टूडेंट है, तो 40 के सामने ये एक ड्रॉ हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। उसी तरह 11th में जो है मान लीजिए 50 बच्चे हैं, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। 12th में जो है मान लीजिए जो है कितने बच्चे हैं, 35, तो यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इनको जोड़ देगी। सो दिस विल बी कॉल्ड एज वन लाइन चार्ट। ओके, सो ये हो गए पूरे एक्स एक्सिस के वैल्यूज, ये हो गए पूरे वाई एक्सिस के वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। हम किसको यूज करेंगे, लिस्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड कलर, कलर ऑफ द लाइन, यानी जो लाइन ड्रॉ हो रही है, जैसे मैंने अभी रेड कलर से किया, आप कोई और कलर यूज करना चाहते हैं क्या, तो जो भी कलर देना चाहते हैं, इट शुड बी अ वैलिड कलर। पाई प्लॉट में जो भी वैलिड कलर्स की लिस्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो होना चाहिए, ठीक है। लाइन विड्थ, ये जो लाइन है पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फ्लॉट, फ्लॉट वैल्यू यहां डालेंगे। नेक्स्ट है लाइन स्टाइल और LS, या तो आप पूरा लाइन स्टाइल लिखिए या आप LS भी लिख के काम कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ द लाइन, यानी ये लाइन का स्टाइल होता है, सॉलिड लाइन हो सकता है, जैसे ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। उस वक्त क्या होता है, डैश हो सकता है, ऐसे डैश 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 करके जो लाइनिंग होती है, डैश हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट है मार्कर, अ सिंबल डिनोटिंग द मार्कर स्टाइल, सच एज ओ या स्टार या प्लस। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने सर्कल बनाया था, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया था, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्टार आए, तो आप स्टार अभी ला सकते हैं यहाँ पे एज अ पॉइंट। आप क्या ला सकते हैं, स्टार भी ला सकते हैं, प्लस का साइन भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्कर का स्टाइल, किस तरह का मार्कर आप चाहते हैं। मार्कर क्या होता है, पॉइंट्स होता है। जैसे मैंने कहा ना 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, मैंने कहा 40,
तो 10 और 40 पे जो एक पॉइंट जाएगा उसके लिए आप कौन सा ये मार्कर यूज करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं मार्कर से। मार्कर का साइज क्या होगा वो मार्कर साइज से डिफाइन कर सकते हैं, और मार्कर के एज का कलर, एज का कलर मतलब कैसे स्टार है ना, तो स्टार जो है ये किनारे किनारे जिस कलर से बनेगा, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल वही कलर उसी का, जैसे अभी ये रेड है तो इसके एज का कलर क्या होगा, किनारे का कलर क्या होगा, एज मतलब क्या होता है किनारा, किनारे का कलर क्या होगा वो होता है किसके जरिए, मार्कर एज कलर के जरिए, राइट। सो ये हमने सब कुछ जान लिया कि क्या होता है। सबसे अच्छी बात यह कि जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम भी है, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही क्या है इसका काम भी है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे एक चार्ट को ड्रॉ करना है, कौन सा चार्ट को, लाइन चार्ट को, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रोग्राम क्या होगा, तो ये है मेरा सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। क्या कहता है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot, यानी कि मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूं किसको, pyplot को, matplotlib.pyplot। अब मैंने यहां as plt नहीं लिखा, इसीलिए मैं जब भी कभी pyplot का कोई भी फंक्शन यूज करूंगा मुझे पूरा लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। अगर मैंने as plt कर दिया होता तो इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता, लेकिन दोनों तरीके से मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले। अब मैंने आपको बताया था कि x में जो है कुछ वैल्यू होनी चाहिए और उसी के रिस्पेक्ट में y में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब x एक्सिस और y एक्सिस के वैल्यूज के साथ हम क्या कहते हैं, ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट को, matplotlib.pyplot.plot, क्योंकि आपको पता है प्लॉट मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं अपने लाइन चार्ट को। और इसमें दो चीजें मैंडेटरी होती हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए वैल्यूज और एक वाई एक्सिस के लिए वैल्यूज, ठीक है, ये दोनों देने पड़ेंगे हमें। अब ये चार्ट ड्रॉ तो हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे ये लाइन लिखने से चार्ट ड्रॉ तो हो जाएगा ये, लेकिन ये चार्ट शो नहीं करेगा आपको, डिस्प्ले नहीं करेगा। डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, यानी कि matplotlib.pyplot. क्या शो, जिससे आपको ये शो करेगा। तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया, चलिए इसको हम आइडियली में रन करके देखते हैं कि कैसे ये रन करेगा, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, हम चाहे तो यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं, एक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर फाइल भी बना सकते हैं, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी, एक फाइल में जाकर सारा कोड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं इंपोर्ट matplotlib. क्या pyplot, ओके, मैंने एंटर किया, ये हो जाएगा इंपोर्ट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक x एक्सिस के लिए वैल्यू बनाना है, तो मान लीजिए लिखता हूं x इक्वल टू व्हाट, 5, 10, 15, 20, 25, कोई भी वैल्यू, वो मेरी मर्जी है, ठीक है, आप भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए 10, 14, 7, 52, 52 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 15 और कॉमा देके 16, ज्यादा बड़ा वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ड्रॉ करने में मैं समझा नहीं पाऊंगा, कोई वैल्यू दे दीजिए। अब आप यहां क्या करेंगे, आप यहां ड्रॉ करेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे आप, matplotlib.pyplot.plot फंक्शन को यूज करेंगे, x और y के जरिए आप क्या करेंगे, प्लॉटिंग कर देंगे। प्लॉटिंग तो हो गई लेकिन शो नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे आप उसको, आप लिखेंगे matplotlib.pyplot डॉट क्या शो, और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए ये चार्ट आपके सामने आ गई। अब मैंने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको लिख दिया, ये सारे चारों लाइनों को अलग अलग, आप चाहें तो इसको एक प्रोग्राम बना सकते हैं बकायदे, या फाइल मेन्यू में जाके न्यू करके वो प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये देखिए पहली वैल्यू 5 और उसके रिस्पेक्ट में 10, यानी कि 5 क्या है, एक्स एक्सिस है, देखिए है ना, 5 आपका एक्स एक्सिस है और 10 क्या है आपका वाई एक्सिस है, तो मतलब आपका प्लॉटिंग बिल्कुल सही हुआ है। उसी तरह दूसरा यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पॉइंट, देखिए ये है 10 और यहां से क्या है 14, तो देखिए तो 10 और 14 परफेक्ट है, यानी पहला जो मेरा कोऑर्डिनेट बनता है, याद रखिएगा जो कोऑर्डिनेट पहला बनता है वो x 5 पे, y 10 पे, x 10 पे, y 14 पे दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट x 15 पे और y कितना 7 पे, ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स बनते चले जाते हैं। तो ये है आपका सबसे बेसिक प्रोग्राम। अब इसी चीज को आप फाइल मेन्यू में जाइए, न्यू फाइल में जाइए और लिख दीजिए ना एक साथ, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt में कर देता हूं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं x में कोई वैल्यू दे देता हूं, जैसे x इक्वल टू मान लीजिए 5, 10, 15, 20 और 25 दे देता हूं, 5 वैल्यूज x के लिए दिए तो 5 वैल्यू y के लिए भी देना पड़ेगा, ठीक है, 12, 4, 15, 18 और 12 कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, रैंडम वैल्यू। अब हमें क्या कहेंगे, देखिए plt.plot कर देंगे, कितना आसान हो गया है ना,
वरना पूरा लिखना पड़ा था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, एलियस दे दिया। और यहाँ क्या कहते हैं, plt.show, इससे हमारा शो हो जाएगा। सेव करते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ plotting1, एंटर करता हूँ और F5 से इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। जैसे ही रन करूँगा, अच्छा मैंने देखिए गलत टाइप कर दिया, matplotlib.plot, plt, यहाँ पे प्लॉट में नहीं दिया, यहाँ क्या होगा plt.show, क्योंकि नाम क्या होगा plt है ना, हमने plt डाला है। अभी हमें F5 करता हूँ, देखिए बन गया। तो यही चीज मैं डायरेक्टली चाहूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट पे कर सकता हूँ, यही चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, एज अ प्रोग्राम लिख सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये है एक सबसे बेसिक प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपने क्या कर लिया है, जान लिया है कि ये क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में अब हमें डिफरेंट टाइप्स की चीजों को देखना है, जैसे लाइन चार्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कलर होता है, और मार्कर एज कलर होता है। देखिए ये क्या होता है, दिस इज यूज टू सेट कलर ऑफ द लाइन, यानी कि आप सिर्फ जब नॉर्मल कलर लिखते हैं तो यानी कि आप क्या करते हैं, लाइन का जो कलर है वो सेट करते हैं, ठीक है। कोई भी कलर हो सकता है, इनमें से आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर ये है और उसके रेस्पेक्ट में ये कलर है, याद रखिएगा, ठीक है, ये सारे इस रेस्पेक्ट में यूज करना होता है आपको, ओके। नाउ मार्कर एज कलर, दिस इज यूज टू सेट, स्पेलिंग गलत है, सेट कलर ऑफ मार्कर, यानी मार्कर का कलर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे, दिस कलर में भी एनी वैलिड कलर, वो भी हो सकता है। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कॉमा यहां देंगे, कलर इक्वल टू, मान लीजिए मैं आर देता हूं, मतलब मैं रेड कलर में चाहता हूं। अब मैं इसको रन करके देखता हूं कि क्या रन होता है, रेड कलर का आता है, बिल्कुल। देखिए तो यहां पे क्या हो गया, सारा जो प्लॉटिंग हुआ था वो किस कलर में आ गया, रेड कलर में आ गया, मतलब ये मेरा परफेक्ट काम कर रहा है। और इसमें एक चीज और डाल सकता हूं, मार्कर एज कलर, मार्कर MARKER मार्कर EDGECOLOR इक्वल टू, मान लीजिए मैं कहता हूं ब्लू, बी फॉर ब्लू, ठीक है। सेव करता हूं और रन करता हूं F5 से, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब देखिए इसे मार्कर तो हमने बनाया ही नहीं है, इसीलिए मार्कर के एज का कलर पता नहीं चल रहा है, तो हमें मार्कर पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्कर के एज कलर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो काम भी किया या नहीं किया। जो हमारा अगला है, देखते हैं अगले में क्या है मेरा, ये है लाइन चार्ट विथ ओनली वन वाई एक्सिस। अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको जब आप प्लॉट फंक्शन को कॉल करते हैं plt.plot, आपको x एक्सिस भी देना होता है और y एक्सिस भी देना होता है, दोनों देना होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक एक्सिस देते हैं तो दैट इज काउंटेड एज y एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जो है एक ही एक्सिस देंगे, जैसे यहाँ पे आप कहते हैं plt.plot और यहाँ पे सिर्फ आपने y दिया, x को नहीं दिया, अगर आपने जो भी चीज दिया यहाँ पे, हो सकता है आप नाम x भी डाल दो, कोई भी चीज दिया, अगर आपने सिर्फ एक वैल्यू दी है तो वो उसको कंसर्ट करेगा, मतलब एज अ क्या लेगा, वाई एक्सिस की वैल्यू उसको लेगा, ठीक है। तो क्या होता है, कहता है क्या कि इफ वी गिव ओनली वन लिस्ट, यानी कि अगर हम सिर्फ एक लिस्ट दें, इट विल टेक एक्स एक्सिस बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर सिर्फ मान लीजिए वाई के लिए, वाई एक्सिस के लिए हमने वैल्यू सप्लाई किया, एक्स के लिए सप्लाई किया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यूज वो 0, 1, 2, 3, 4 ले लेगा। जैसे यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या लेगा, 0, 1, 2, 3 और 4 ले लेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने दिया ही नहीं x की वैल्यू, सेव किया, भले x है मेरे पास लेकिन मैंने x की वैल्यू नहीं दी, सिर्फ एक ही वैल्यू दी y की, तो अब जो आएगा देखिए, अपने आप इसने क्या लिया, x की वैल्यूज पहले 1 लिया, फिर अगली बार 2 लिया, फिर अगली बार 3 लिया, फिर अगली बार क्या ले लिया इसने, 4 ले लिया। शुरू में पहली बार क्या लिया, 0 लिया, यहाँ पे क्या लिया, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप चाहें तो सिर्फ एक एक्सिस को देके भी काम कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस केस में जो भी एक आप देते हैं लिस्ट, उसको मान लेता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ऑटोमेटिकली 0 से क्या करता है, स्टार्ट करता है, राइट। आइए यहाँ पे और भी सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पे कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने यूज किया ही है अपने प्रोग्राम में, अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया। यहाँ क्या कहता है, लाइन विड्थ, एक एक करके सारा चीज आप डालते चलिए, लाइन विड्थ इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगर आप लाइन विड्थ को 10 डालते हैं, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ कहते हैं कॉमा लाइन विड्थ width इक्वल टू 10 कर देते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए कितना मोटा ड्रॉ हुआ, तो जितना मोटा आप चाहते हैं विड्थ, जितनी ज्यादा देंगे उतना मोटा आएगा, जितना छोटा देंगे, जितना कम देंगे उतना पतला आएगा, नहीं देंगे ऑटोमेटिकली जो साइज होता है वो ले लेगा,
ठीक है। फिर कहते हैं लाइन स्टाइल इक्वल टू डॉटेड, यानी लाइन स्टाइल आपको डॉटेड चाहिए, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। कॉमा लाइन स्टाइल एस टी वाई एल ई इक्वल टू व्हाट डॉटेड डी ओ डबल टी ई डी, सेव करते हैं, रन करते हैं। ओके तो लाइन स्टाइल आपने कहा डॉटेड, अच्छा डॉटेड जो है वो क्या होगा, डॉटेड के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल कोट्स को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया कि इसमें डबल कोट्स में, ठीक है। और अब मैंने सेव किया और मैंने क्या कर लिया, रन कर लिया। तो देखिए जो लाइन आएगी ना, देखिए डॉटेड 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 आ गई, राइट, समझ में आई बात। अब क्या होता है, और भी सारी चीजें, हाँ जी अभी और भी चीजें, क्या कहता है, लाइन स्टाइल जरूरी नहीं कि डॉटेड ही हो, सॉलिड हो सकता है, या उसके बदले आप ये वाला टाइप कर दीजिए, डैश्ड टाइप कर दीजिए या ऐसा टाइप कर दीजिए, डैश डॉट टाइप कर दीजिए या ऐसा टाइप कर दीजिए, और डॉटेड टाइप कर दीजिए या ये वाला टाइप कर दीजिए। इन चारों में से आप कोई भी सभी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कौन सा टाइप किया है, अभी हमने टाइप किया है कौन सा, डॉटेड, राइट। आप यहां तो डैश डॉट भी करके देखिए, डैश डॉट यहां पे क्या करना है आपको, डी ए एस एच और उसके बाद डी ओ टी डैश डॉट कर देना, ठीक है, डैश डॉट और सेव कर दीजिए। फाइल मेनू में गया, सेव किया, रन कर लिया, तो डैश डॉट करके दीजिए, डैश डॉट इस फॉर्म में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन, इस हिसाब से पूछ देगा कि लाइन स्टाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमने, नेक्स्ट है इसमें, आप चाहें तो मार्कर, हाँ देखिए मार्कर दीजिएगा तभी आप मार्कर एज कलर डिफाइन कर पाइएगा। तो पहले मैं मार्कर देता हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ से ना, इन चीज़ों को हटा देता हूँ, वरना बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको कन्फ्यूज हो जाएगी। हालांकि आप सबको एक साथ अटैच कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक साथ आप सबको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले मैं मार्कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे पहला क्या दूंगा मैं दूंगा मार्कर एम ए आर के ई आर, मार्कर इक्वल टू वॉट स्टार में देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि मार्किंग जो है वो क्या आ जाए, स्टार आ जाए। मैं सेव करता हूँ, F5 से रन करता हूँ, अच्छा कॉमा देना मैं भूल गया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, रन कर रहा है क्या प्रोग्राम, आई थिंक यस, इसको बंद कर देते हैं और यहां पे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, सेव किया और क्या कर लिया, रन कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देख रहे मार्कर जो है आ गया और इसका जो कलर है, एज का कलर जो है वो क्या है, ब्लू है, क्योंकि हमने यहां मार्कर एज दिया, तो इसीलिए मार्कर एज कलर क्यों नहीं काम कर रहा था, मार्कर एज कलर इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि आपने मार्कर तो दिया ही नहीं था, तो जब मार्कर ही नहीं देंगे तो मार्कर के एज का कलर कैसे काम कर लेगा, ठीक है। इसलिए पहले आपको मार्कर देना पड़ेगा ताकि मार्कर एज कलर भी क्या करे, वर्क करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि और भी चीजें हैं, हाँ और भी चीजें थी इसमें, देखिए एक चीज ये भी है, मार्कर का साइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं, 8, 10 जितना भी साइज आपको मर्जी हो वो दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉमा मार्कर एज एम ए आर के ई आर ई डी जी ई इक्वल टू, मैं कहता हूँ 10 दे दो, सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हर एक चीज क्या हुआ, नो प्रॉपर्टी एज मार्कर एज, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मार्कर एज की है, मैंने गलत टाइप कर दिया क्या, सॉरी मार्कर साइज, इट इज व्हाट मार्कर साइज, इट इज नॉट मार्कर एज, इट इज व्हाट मार्कर साइज, एम ए आर के आर एस आई जेड ई, सेव करते हैं और क्या करते हैं, रन करते हैं। अब देखिए मार्कर की साइज थोड़ी सी बड़ी बड़ी आ रही है, तो और देखिए अंदर जो है वो रेड है और बाहर बाहर क्या है, ब्लू है, क्योंकि आपने यहाँ पे दे रखा है कि मार्कर का जो कलर है वो कौन सा, कोडिंग हम देखते हैं अपनी, हमने मार्कर के एज का कलर बी दे रखा है, बी फॉर व्हाट, ब्लू, इसलिए वो ब्लू आ रहा है, राइट। तो ये है मार्कर का सारा चीज, मार्कर होना है नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आप मार्कर देंगे उसी केस में मार्कर का एज कलर भी काम करेगा, उसी केस में मार्कर का साइज भी काम करेगा। अगर आप मार्कर ही नहीं देंगे तो ऑब्वियसली बात है दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, ये दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो ये हो गया आपको मार्कर, मार्कर साइज और मार्कर एज कलर, ओके। नाउ लाइन चार्ट जो है कहता है कि दो या दो से अधिक ग्राफ्स को भी हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक बना लीजिए, एक बार ड्रॉ कर लीजिए, दूसरी बार ड्रॉ कर लीजिए और दोनों को एक साथ क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए, यानी कि दो अलग अलग लाइन चार्ट को आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, सिंपली मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, इन सारी चीजों को हटा लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए एक बार आप ड्रॉ करते हैं, सिर्फ आपने एक्स की वैल्यू दी, तो अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो वाई एक्सिस कॉन्सिडर हो जाता है, याद रखिएगा, भले आप यहाँ एक्स लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपने दूसरा दिया पी एल टी डॉट प्लॉट और यहाँ आपने दे दिया वाई,
तो यहां पे आपने एक लिस्ट दिया तो ये ऑटोमेटिकली, देखिए आपने एक्स लिस्ट दिया इसीलिए ऑटोमेटिकली ये वन क्या करेगा, आपको वाई एक्सिस कंसीडर कर लेगा, यानी कि जो भी एक्स में वैल्यूज हैं दैट विल बी व्हाट वाई एक्सिस की वैल्यूज। वैसे ही यहां पे जो वैल्यूज हैं y तो नाम ही है तो ये भी y एक्सिस की वैल्यूज हैं, तो x एक्सिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और इन दोनों को एक साथ ये क्या कर देगा शो कर देगा। मतलब आप जो है एक से ज्यादा लाइन चार्ट्स को एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने किया F5 रन, देखिए एक तो आपको ये बना और दूसरा क्या बना, ये बना। वैल्यूज अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल सही इसका आंसर आ रहा है। अगर मैं अपने कोड के साथ कंपेयर करना चाहूं तो आप कोड के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोड को कंपेयर करके मैं दिखा देता हूं, ये हो गया ठीक है और यहाँ पे ये हो गया। देखिए तो आपका एक्स जब यहाँ पे फर्स्ट ये वाला ड्रॉ होगा है ना, जब ये ड्रॉ होगा तो कहता है एक्स 5 है, तो देखिए एक्स सबसे पहले क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है, नहीं एक्स की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अगर एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन सी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो देखिए वाई की वैल्यू 5 है यहाँ पे है ना, तो वाई जब 5 है, अब एक काम कीजिए इसमें मार्कर दे दीजिए, यहाँ देते हैं मार्कर इक्वल टू स्टार, याद क्लियर हो जाएगा, मार्कर इक्वल टू व्हाट स्टार, ठीक है यहाँ पे भी देते हैं मार्कर इक्वल टू व्हाट स्टार, दूसरा भी मार्कर दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, प्लस दे दीजिए मार्कर इक्वल टू प्लस दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। सेव कर लीजिए और एक बार इसको फिर से दोबारा से रन कर लीजिए F5 से, ठीक है। हाँ, अब आ गया मार्कर भी है ना, अब आपको जो है मैं दोनों में कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। तो अब ये दोनों स्क्रीन पे सेम दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाला जो है एक्स में मार्कर जिसमें स्टार दिया है, तो जिसमें स्टार आ रहा है ये क्या है एक्स एक्सिस से, तो देखिए एक्स जब आपने प्रोवाइड किया तो ये बाय डिफॉल्ट वाई ले लिया, तो जब इसने बाय डिफॉल्ट वाई लिया तो जो पहला कोऑर्डिनेट बनेगा वो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स एक्सिस का 0 होगा और वाई एक्सिस की वैल्यू ये ले लेगा 5। तो देखिए क्या फर्स्ट एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसा है बिल्कुल 0 पे 5, बिल्कुल सही है। वैसे जो सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा 1 पे 10, क्योंकि जो आपने वैल्यू दी है सिर्फ एक वैल्यू दी है, जब आप एक वैल्यू देते हैं व्हेन यू गिव जस्ट वन वैल्यू इट टेक्स एज व्हाट वाई एक्सिस, इसलिए यहां पे ये क्या है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑटोमेटिकली उसके इसमें x एक्सिस क्या हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, इसलिए पहला वाला वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, दूसरा वाला वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 और 10 तो 1 पे और देखिए 10 पे मार्क करें, बिल्कुल सही है। वैसे अगली बार क्या होगा आप खुद देखिए, खुद से दिमाग लगाइए, यहाँ पे x अपने आप 2 ले लेगा, y से वैल्यू क्या हो जाएगी, y से ये थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी 15, तो क्या ये ले रहा है y से 15, देखिए x में 2 तो x में यहाँ 2 है y में क्या 15 है, जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली प्लॉटिंग सही हुई। अब सेकंड वाली प्लॉटिंग की बात करते हैं, तो सेकंड वाली प्लॉटिंग में क्या कहता है y 12 है, तो जब y 12 है तो पहली बार x कितना होगा 0 और y कितना हो जाएगा 12, क्योंकि आपने एक वैल्यू पास की है तो वो सिर्फ वो क्या ले लेगा y एक्सिस, तो 0 पे 12 है ना, कितना है 0 पे 12, तो देखते हैं इस वाले पे प्लस पे ये रहा 0 और यहां रहा 12, बिल्कुल सही है 0 पे 12 है, परफेक्टली वर्किंग, ठीक है। वैसे 1 पे क्या हो जाएगा, तो 1 पे दूसरी वैल्यू 4 है, तो देखिए 1 पे 4 है क्या 1 पे 4 है, बिल्कुल 5 से थोड़ा सा नीचे है 4 है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं मल्टीपल, किसको यू कैन ड्रॉ मल्टीपल लाइन ग्राफ ओके इन वन ग्राफ, एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइन चार्ट्स को क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके का यूज करके। सो, हमने वन बाय वन करके लाइन चार्ट को पूरा फिनिश कर लिया इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अगर आप देखिए जितने भी इसमें आर्ग्यूमेंट्स थे उन सब को हमने वन बाय वन करके पढ़ लिया, थियोरेटिकली भी पढ़ लिया प्रैक्टिकली भी कर लिया, तो हमारा लाइन चार्ट पूरी तरह से खत्म हो गया सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।